कक्षा छठी का पहला पाठ है शेर। देखो, समझो और बताओ। यानी कि यह एक चित्र पाठ है और इस चित्र पाठ में पहला चित्र हम देख सकते हैं बस स्थानक का है, दूसरा चित्र है बंदरगाह का, तीसरा चित्र है हवाई अड्डा और आखिरी चित्र है रेल स्थानक का। इन सभी आवागमन के साधनों का उपयोग करके हम सैर कर सकते हैं। आवागमन का अर्थ है आना जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना। और सैर का यह अर्थ है यात्रा, यानी कि भ्रमण भी हम इसे कह सकते हैं। आज तक हम सभी ने इनमें से किसी न किसी साधन का उपयोग करके यह सैर की होती है। जैसे कि यह सैर हमने कभी अपने घर वालों के साथ या कभी पाठशाला से हम अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ भी यह सैर की होती है। यह सैर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या एक जगह को यानी किसी नई जगह को देखने के लिए जाने के लिए भी हम कर सकते हैं। सैर करने के लिए हम अलग अलग साधनों का और अलग अलग मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग साधन यानी कि जैसे कि बस है या अन्य कोई गाड़ियों का उपयोग करके भी हम यह सैर कर सकते हैं। और अलग अलग मार्ग यानी कि जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग का भी उपयोग करके हम यह सैर कर सकते हैं। इस थल मार्ग का उपयोग करके हम बस का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। थल मार्ग का अर्थ है जमीन पर बनाए गए रास्ते। अलग अलग साधन और अलग अलग मार्गों का उपयोग करके हम यह सैर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि थल मार्ग का उपयोग करके हम किन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बस है, कुछ अन्य गाड़ियां हैं, इनका उपयोग हम थल मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कर सकते हैं। थल मार्ग यानी कि क्या? थल मार्ग यानी कि जमीन पर बनाए गए रास्ते। इसका अर्थ होता है जमीन पर बनाया गया रास्ता, यानी थल मार्ग। तो ऐसे ही थल मार्ग का उपयोग करके हम इस बस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इस बस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस चित्र का निरीक्षण करके हम देख सकते हैं कि इस बस स्थानक में कुछ लोग अपने अपने सामान और अपने अपने बच्चों के साथ बस की ओर जा रहे हैं, तो कुछ लोग बैठे हुए बस का इंतजार कर रहे हैं। एक आदमी अखबार बेचने के लिए यह खड़ा हुआ है। इंतजार करना यानी कि राह देखना। और उन्हीं सभी लोगों में एक आदमी अखबार लेके खड़ा हुआ है अखबार बेचने के लिए। बस का इंतजार करने वाले लोगों के लिए यहाँ कुछ सुविधा भी की गई है, जैसे कि यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ आप देख सकते हैं। स्वच्छता गृह भी यहाँ है और जगह जगह पर कूड़ादान भी यहाँ रखे हुए हैं। कूड़ादान यानी कि कचरा डालने का साधन। सभी यात्रियों की यह व्यवस्था ठीक से यानी कि अच्छी तरह से की गई है, जैसे कि जगह जगह फैन और लाइट की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2 और फलाट क्रमांक 3, जहाँ पर बसें रुकी होती है। बस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यानी कि इसका इस्तेमाल हमने ठीक से करना चाहिए। यहाँ एक शुभेच्छा भी लिखी गई है, जैसे कि आपकी यात्रा सुखद हो। तो चलो बच्चों, यह चित्र पाठ तो हमने समझ ही लिया है। अब कुछ प्रश्न आप
लिख सकते हो या लिख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, बसें कहाँ खड़ी है? दूसरा प्रश्न है, बस स्थानक में लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न है, बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? चौथा प्रश्न है, बस स्थानक में कौन सी शुभेच्छा दी गई है? और आखिरी प्रश्न है आपका, किन्हीं पांच थल मार्ग वाहन के नाम लिखो। सर, इस पाठ का दूसरा जो भाग है वह है बंदरगाह। पहला भाग हमने सीख लिया है जो कि था बस स्थानक का। तो दूसरे इस चित्र पाठ में हम देख सकते हैं कुछ जहाजें यहाँ खड़ी है, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ पक्षी भी यहाँ उड़ रहे हैं। बंदरगाह यानी कि क्या? तो जैसे बसें खड़ी करने के लिए बस स्थानक होता है, उसी तरह जहाँ जहाज ठहराते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। बंदर यानी कि पोर्ट या पतन भी हम इसे कह सकते हैं। इस बंदरगाह का अर्थ है समुद्र के किनारे का वह स्थान या ठिकान जहाँ जहाजें ठहराते हैं। यहाँ से लोग और सामान इन जल वाहनों से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। बंदरगाह यह एक जल मार्ग का स्थान है। ऐसे ही जल मार्ग से केरल के कालीकत इस बंदरगाह पर वास्को दी गामा जो समुद्री यात्री था, उस समुद्री यात्री ने यूरोप से भारत में आने का समुद्री मार्ग खोजा था। तो ऐसे इस बंदरगाह के चित्र में और हम क्या क्या देख सकते हैं? तो अलग अलग नावें यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि पाल वाली नावें, मालवाहक नावें, कुछ यंत्र चलित नावें भी हम यहाँ देख सकते हैं, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसी जहाजों में, ऐसी नावों में कुछ सामान और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह इस जल मार्ग से, इन जल वाहनों से पहुंचाया जा सकता है। तो इस चित्र में और एक स्तंभ भी हम देख सकते हैं जिसे प्रकाश स्तंभ हम कह सकते हैं। प्रकाश स्तंभ का उपयोग क्या होता है? तो रात के समय दूर से आने वाले जहाजों को या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले इन जहाजों को राह दिखाने का काम यह प्रकाश स्तंभ करता है।